वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू कैच लाइफ विद जेकेस। आज मैं आपको मसालेदार काले चने की रेसिपी बताने जा रही हूँ। ज्यादातर मंदिर में, गुरुद्वारे में हम भोग की तरह इसे यूज करते हैं। तो हम भोग के लिए या प्रसाद के लिए जो काले चने बनाते हैं ग्रेवी वाले, वो मैं आपको घर पे कैसे बनाते हैं ये बताऊंगी। तो चलिए मेरे साथ इसे कैसे बनाया जाए, और चलिए मेरे साथ कि गुरुद्वारे में हम इसे कैसे सर्व करेंगे। चलिए। हाँ जी, किदा दे बने चने? हाँ जी, चने बहुत स्वाद बने हैं, सारी संगत नूं बहुत पसंद आए। थैंक यू सो मच। तुहानूं वधिया लगे? बहुत वधिया, टेस्टी। हाँ जी, चने किदा दे लगे? बहुत वधिया। लूण मिर्च ठीक है? मसालेदार काले चने का प्रसाद बनाने के लिए मैंने काले चने 1.5 किलो लिए। रात को मैंने इसे पानी में भिगोकर रख दिया। सुबह जब ये अच्छे से फूल गए तो इन्हें उबालने के लिए कुकर में मैंने इन्हें आधा घंटा स्टीम लगाई। साथ में कुकर में मैंने नमक भी डाल दिया ताकि चनों में हमारा नमक ऐड हो जाए। चने जब अच्छे से बॉईल हो गए तो मैंने एक जालीदार टोकरी में, छन्नी में इसे अच्छे से छान लिया और चने अलग कर लिए और उसका पानी अलग कर दिया ताकि हमारे सूखे मसालेदार चने रेडी हो सके। अब बारी आती है इसके इंग्रेडिएंट्स की। इसके लिए मैंने लिए है 4 प्याज, लहसुन की फलियां और अदरक, 3 हरी मिर्च, 2 टमाटर, अजवाइन, अनारदाना पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और साथ में आमचूर पाउडर। अब है बेसिक मसाले हमारे, ये है नमक, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च, देगी मिर्च और मिक्स मसाला और साबुत ज़ीरा। आप मेरी पूरी क्वांटिटी और इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी चेक कर सकते हैं कि मैंने कितनी क्वांटिटी इस मसाले में, रेसिपी में ऐड की है। गैस की फ्लेम ऑन करके मैं कढ़ाई उस पर रख दूंगी। अब मैंने एक बड़ा बाउल तेल का, मतलब 3 भरकर कड़छियाँ तेल की मैंने डाली है, वो है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। जब तक हमारा तेल गर्म होता है हम इसके इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लेते हैं। ये बड़े प्याज जो मैंने छील के रखे थे इसे अच्छे से मैं चॉप कर लूँगी और इसे चॉप करके इसका पेस्ट बना लूँगी। अब मैं टमाटर को भी अच्छे से चॉप करके उसका पेस्ट बना लूँगी, उसे बारीक कर दूँगी उसी चॉपर में। अब सबसे पहले मैं टमाटर ऐड करूँगी, उसके बाद मैं इसी में लहसुन की फलियाँ और अदरक भी ऐड कर दूँगी ताकि वो भी साथ में ही पेस्ट बन जाए। और इसके साथ मैं ऐड करूँगी हरी मिर्च को ताकि हरी मिर्च का फ्लेवर, थोड़ा सा तीखा फ्लेवर भी हमारी रेसिपी में ऐड हो जाए। तो ये भी मैं इसी के साथ चॉप कर दूँगी। अब उसी चॉपर में ऐड कीजिए 1/2 टीस्पून देगी मिर्च का, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी का,
और साथ में हाफ टी स्पून ऐड कीजिए लाल मिर्च का। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए ताकि इसका स्मूथ पेस्ट बन जाए। इस तरह से हम इसी टाइम जब हल्दी और देगी मिर्च डालते हैं तो इसका कलर बहुत अच्छा आता है। देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आ गया है। अब बारी आती है वो मसालों की जो हमने तेल में सबसे पहले डालने हैं। 2 बड़े चम्मच जीरे के और 1 चम्मच अजवाइन का, ये हम अलग करके रख लेंगे, तेल में सबसे पहले डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसे ऐड करेंगे ये बेसिक मसाले। ध्यान रखिए मसाला जले ना, तो ऐड कर दीजिए प्याज को जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया है, और इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को रोस्ट कीजिए। जब हमारा प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हम ऐड करेंगे अपना टमाटर वाला पेस्ट जो हमने रेडी किया था। इस टाइम हम अपना टमाटर, लहसुन और अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए ताकि हमारा टमाटर भी अच्छे से फ्राई हो जाए। अब बारी आती है हमारे बॉयल किए हुए काले चने। इस टाइम हम काले चने इसमें ऐड कर देंगे। अब है मसालों की बारी, तो मैंने 1.5 चम्मच मिक्स मसाला इसमें ऐड किया है और नमक 2 चम्मच नमक के हैं और लाल मिर्च पीसी हुई ये भी मैंने 1.5 चम्मच इसमें ऐड किया है, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 बड़े चम्मच, आमचूर पाउडर 1.5 टेबलस्पून, उसके बाद ज़ीरा पाउडर वो है 2 बड़े चम्मच और साथ में है अनारदाना पाउडर वो भी 2 बड़े चम्मच। अगर आपको क्वांटिटी में कुछ भी गड़बड़ी लगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्वांटिटी चेक कर सकते हैं। तो इसे हम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे ताकि मसाले हमारे अच्छे से चने में अटैच हो जाएं और मसालेदार चने हमारे रेडी हो जाएं। तो गैस की फ्लेम तेज़ रखते हुए इसी तरह से हम हिलाते रहेंगे। तो देखा आपने कितना आसान तरीका है मसालेदार काले चने बनाने का। तो ये मेरे प्रसाद के लिए मसालेदार काले चने रेडी है। अब इसे मैं अच्छे से पैक करके गुरुद्वारा साहब ले जाऊंगी ताकि हम इसे प्रसाद की तरह सर्व कर सकें। तो चलिए मेरे साथ गुरुद्वारा साहब में भी। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਜੀ? ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਮੈਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਚਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਚਨੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਬਣੇ ਆ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਫਿਰ ਚੈਨਲ ਹਿੱਟ ਹੈ ਸਾਡਾ। सानू लाइक और सब्सक्राइब करो जी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ताकि आप इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहें। तो इस बार के लिए मेरी तरफ से शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए।